आज की वीडियो में मैं आपको 513 की फैक्टर ट्री बनाना सिखाऊंगा। फैक्टर ट्री बनाने से पहले आपको पता होना ज़रूरी है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। वह नंबर जो 1 से डिवाइड हो या फिर खुद अपने आप से डिवाइड हो क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। एग्जांपल के लिए 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। इसके बाद इसमें आपको टेबल्स आना ज़रूरी है, फिर जिस तरह से ट्री की ब्रांचेस होती हैं उसी तरह मैंने 513 की दो ब्रांचेस बना ली। लेफ्ट साइड आपका हमेशा प्राइम नंबर होगा, राइट साइड अगर आपका प्राइम नंबर आ जाता है तो वहीं पे इसकी फैक्टर ट्री क्लोज हो जाएगी। 3 × 171 513 हुआ। राइट साइड अभी आपका प्राइम नंबर नहीं आया तो इसका मतलब फैक्टर ट्री और आगे बढ़ेगी। 3 × 57 171 हुआ। राइट साइड अब भी आपका प्राइम नंबर नहीं आया, फैक्टर ट्री और आगे बढ़ेगी। 3 × 19 57 हुआ। राइट साइड 19 आ गया, इसका मतलब यह एक प्राइम नंबर है, तो यहीं पे आपकी फैक्टर ट्री क्लोज हो गई। अब आपको चेक करना है कि आपकी फैक्टर ट्री सही है गलत, इसके लिए आपको लेफ्ट टू राइट चलना होगा। लेफ्ट टू राइट चलते टाइम आपको सभी के सभी नंबर प्राइम नंबर ही मिलेंगे, फिर इन प्राइम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका रिजल्ट हमेशा वही होगा जिसकी आपको फैक्टर ट्री बनानी थी। ठीक है, 3 × 3 × 19 513 हुआ। इसका मतलब है कि आपकी फैक्टर ट्री एकदम सही है, एंड 3 × 3 × 19 513 के प्राइम फैक्टर्स भी होंगे।